कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह गुना पहुंचे। यहां उन्होंने नाना खेड़ी केंद्र पहुंचकर किसानों से बातचीत की, कालाबाजारी की जानकारी ली। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसानों की शिकायत पर मुझे यहां आना पड़ा। साथ ही दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि आखिर खाद को लेकर कौन दादागिरी कर रहा है। आना पड़ा क्योंकि यहां के हमारे मित्र ने एक वीडियो डाला जिस पर किसान लोग नाराज हो रहे थे, तो मैंने कहा भाई मैं खुद चल के पता लगाता हूँ फैक्ट क्या है। इसी तरह से राघोगढ़ के अंदर भी शिकायत मेरी आई कि वहाँ पे दादागिरी से लोग ज़्यादा उठा के ले गए, इस प्रकार की भी मेरे पास शिकायत आई। तो मैं जाके देख रहा हूँ भाई दादागिरी करने वाला चेहरा, तो मैं देखूँ कौन है दादागिरी करता है। और अब बात वायनाड उपचुनाव से जुड़ी हुई। प्रियंका गांधी के हलफनामे पर बीजेपी ने किया है हमला। बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने प्रियंका पर हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। साथ ही यह भी कहा कि जनता को मूर्ख ना समझें, जनता ही जनार्दन है। की तरफ से लगाए जा रहे हैं मोर्चा, संभाला है बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने। आपको याद दिलाएं, एक तस्वीर आप देख रहे हैं, वायनाड वो पहुंची हुई थी, नामांकन उन्होंने दाखिल किया है वायनाड लोकसभा सीट केरल की, इसमें उपचुनाव होना है। प्रियंका गांधी ने जो हलफनामा दिया है, बीजेपी का कहना है कि वो गलत है, गलत जानकारी उसमें दी गई है। हलफनामा एफिडेविट, उसमें गलत जानकारी दी गई है। गौरव भाटिया ये भी कह रहे हैं कि जनता को मूर्ख ना समझे, जनता जनार्दन है। अगर किसी ट्रस्ट के माध्यम से भी 2,62,411 शेयर्स होल्ड करती हैं, आपने इस एफिडेविट में जो मेरे समक्ष है क्यों नहीं ये बताया है कि ट्रस्ट के ही माध्यम से असेट तो है, इट इज एन असेट। मैंने वो लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की पढ़ी, असेट होगा तो आपको बताना होगा। ट्रस्ट में आप ट्रस्टी हैं, शेयर तीन कंपनी जिसमें तीन एलएलपीज हैं, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा बताते हैं पार्टनर है, वो हैं ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग, नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क एलएलपी और तीसरी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। लेकिन ये भी सार्वजनिक है जानकारी, क्योंकि ये रिटर्न्स फाइल करते हैं, सोशल मीडिया पे चल रही है। जो जानकारी सामने आई है और ये जनता ने उठाई है, रॉबर्ट वाड्रा क्राइम मास्टर गोगो इज द पार्टनर इन 5 एलएलपीज।